और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ दिन पहले सीएम ऑफिस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक हुआ था, और उसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है लखनऊ से। यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अजीबोगरीब पोस्ट की गई है। तो यूपी सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक हो गया है और इसका बायो भी बदल दिया गया है। तो ये जानकारी इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी सरकार के ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया गया है। लखनऊ से ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूपी सरकार का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। ये लखनऊ से इस वक्त खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम ऑफिस का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भी हैक कर लिया गया था, और अब यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर अजीबोगरीब पोस्ट की गई है और इसको हैक होने की खबर भी सामने आ रही है। इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद शफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शफी, क्या जानकारी आ रही है इसको लेकर? बिल्कुल शांतनु, देखिए बता दें आपको कि कुछ दिन पहले अगर बात करें हम तो पहले सीएम का ट्विटर अकाउंट हैक किया जाता, उसके बाद आज बात करें हम तो यूपी गवर्नमेंट ट्विटर हैंडल वो भी आज हैक कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े ट्विटर जो लाखों लोग उससे जुड़े हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो उससे दी जाती है, वो ट्विटर हैंडल हैक हो जाता है। वहां पर 25 लोग रखे जाते हैं जो ट्विटर को चला रहे हैं, जो काबिल लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी ट्विटर है वो लगातार हैक हो रहा है। पहले सीएम का ट्विटर हैक होता है, फिर यूपी गवर्नमेंट का ट्विटर हैक होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी साजिश के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जहां इतने प्रशिक्षित लोग हैं और उसके बाद ट्विटर हैंडल हैक हो जाए, ये जरूर कहीं ना कहीं जांच का विषय है। बिल्कुल सफी, और इस पूरे मामले में अभी तक कार्रवाई क्या की गई है? क्या इसको अभी तक पता चल पाया है कि आखिर किसके द्वारा हैक किया गया, ये सोर्स क्या है? बिल्कुल देखिए शांतनु, बता दें कि अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन कुछ देर के बाद तो सही हो जाता है, लेकिन अभी आधिकारिक बयान पे कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जरूर इस पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सुरक्षा का सवाल दृष्टि से जरूर इसको देखना चाहिए। कि बिल्कुल सफी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त, यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया गया है।